पता चल गया कि गॉडस्ला एक्स कॉन्ग में कौन कौन से न्यू टाइटन्स अपीयर होने वाले हैं, उसी के बारे में मैं आज डिटेल में आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्पॉनर अलर्ट। इसमें गॉडज़िला के बारे में बताया गया कि गॉडज़िला इवॉल्व हो जाएगा। इसमें बताया गया कि गॉडज़िला होल अर्थ के कुछ ज़्यादा ही अंदर जलाया, जिससे गॉडज़िला की बॉडी थोड़ी ज़्यादा पतली और टॉक्सिक प्लेट का कठोर हिस्सा निकल जाएगा, जिससे गॉडज़िला के टॉर्सल प्लेट रेड कलर के हो जाएंगे और वो एक रेड या ऑरेंज कलर की टॉर्सल एटॉमिक ब्लेड फायरिंग कर पाएगा। आर्टिस्ट ने गॉडज़िला की इस ड्राइंग को ग्रीन कलर का बनाया है, क्योंकि जो मतलब टॉय इमेज थी उसमें भी गॉडज़िला का कलर ग्रीन होता था, ग्रीन था। तो यानी कि गॉडज़िला की बॉडी होल अर्थ के अंदर जाने के बाद ग्रीन कलर की हो जाएगी। मुझे आप कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताइएगा। कॉन्ग के अपडेट के लिए उसे एक मैकेनिकल आर्म दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कॉन्ग का लड़ाई के दौरान उसका हाथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैक्चर हो जाएगा, जिससे मोनार्क उसे ये रोबोट हैंड देगी। और फाइनली कॉन्ग अब मूवी के एंडिंग में अपनी इलेक्ट्रिक पावर यूज़ कर पाएगा। तीसरा टाइटन है स्कार किंग। इस मूवी के दो विलन टाइटन्स में एक है। स्कार किंग कॉन्ग की प्रजाति का नहीं है, वह कॉन्ग से रिलेटिव है। स्कार किंग के पास उसके जैसे एक एप्स आर्मी है। वह स्कार किंग और उसकी एप्स आर्मी दोनों बहुत अच्छे थे, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करते थे, पर ताकत की भूख ने इसे ईविल बना दिया और अर्थ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया स्कार किंग। गॉडज़िला ने इसको इसकी आर्मी को रोका था बहुत पहले, इसलिए अब आज़ाद होने के बाद गॉडज़िला से अपना बदला लेना चाहेगा। स्कार किंग के पास एक स्नेक लाइक टाइटन का वेपन है, जिसका इस्तेमाल वो चाबुक की तरह करता है। अगला टाइटन का नाम है सीमू। स्कार किंग के बाद ये इस मूवी का दूसरा मेन विलन टाइटन है। सीमू के पास ताकत है कि वो पूरी अर्थ को बर्फ का बना सकता है। बहुत पहले स्कार किंग ने सीमू को रोका था, इसलिए स्कार किंग सीमू को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि स्कार किंग के वेपन में सीमू का एक क्रिस्टल लगा है। अगले टाइटन का नाम है सुको। सुको स्कार किंग की एप्स आर्मी में से ही एक है, जिसे कॉन्ग अडॉप्ट कर लगा। एक तरीके से कॉन्ग और सुको के बीच में फादर एंड सन का रिलेशनशिप बन जाएगा। अगले टाइटन का नाम है वॉर डॉग्स। मूवी की शुरुआत की एक लीक इन्फॉर्मेशन सामने आई थी कि कॉन्ग वॉर डॉग्स से लड़ता हुआ दिखाया जाएगा। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग प्रीक्वल कॉमिक के कुछ फोटो सामने आए थे, जिसमें कॉन्ग वॉर डॉग्स से लड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। अगला टाइटन है टाइटेनस डक। टाइटेनस डक को हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में कुछ सेकंड के लिए देखा था, जिसके कुछ सेकंड के सीन में काफ़ी ज़्यादा फैंस बन गए। अगले टाइटन का नाम है फॉस्फेरा। इसका सिर्फ नाम ही दे रखा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहुत टाइम पहले पता चला था कि गॉडज़िला रोम में एक टाइटन से लड़ता हुआ दिखाया जाएगा, जिसका नाम अरेकनिक है। अगर आप लोग फॉस्फेरा को गूगल पर रिसर्च करोगे तो मॉन्थ्रा का नाम ही सामने आएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मॉन्थ्रा इस मूवी में अपीयर हो जाए, क्योंकि लीक्स के अनुसार मॉन्थ्रा इस मूवी में अपीयर होने वाली है, क्योंकि मॉन्थ्रा को गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में भी जिक्र दिया गया था। अगर सारी लीक्स सही हैं तो ये सभी टाइटन्स हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। अब मैं गॉडज़िला कॉन्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मूवी के शुरुआत के समय गॉडज़िला कॉन्ग अपने नॉर्मल फॉर्म में रहेंगे। गॉडज़िला कॉन्ग की टॉय इमेजेस ये वाली सामने आई थी, जिसमें कॉन्ग अपनी इलेक्ट्रिक पावर्स का यूज़ कर रहा है और गॉडज़िला अपनी रेड एटॉमिक ब्रेथ का। अगर ये सारी ये लीक्स अगर सच हैं तो जरूर से हमें ये सब कुछ गॉडज़िला एक्स कॉन्ग मूवी में देखने को मिलेगा। मुझे आप कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि इस मूवी में ये सभी टाइटन्स के सीन्स काफ़ी अच्छे रहें, और जहाँ तक इस मूवी में हमें और भी न्यू टाइटन्स दिखाई देते रहेंगे, क्योंकि वो लोग इस बार होल अर्थ को खाली नहीं छोड़ने वाले। ठीक लाज कर इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चाहे पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा एंडिंग का सरप्राइज़ देखते जाइए।